हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी प्यारी सी साइंस क्लासेस में। और आज हम आपका जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था उसी कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका ऑक्यूरेंस। ऑफ मेटल्स यानी मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, यानी जो मेटल्स हैं उनमें से ज़्यादातर क्या है कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं जो धरती है उसकी ऊपर वाली लेयर के अंदर है, यानी जो हमारी अर्थ है उसके सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको कहते हैं हम अर्थ क्रस्ट। और उसी में हमें अधिकांश जो है मेटल कंबाइंड फॉर्म में जो है मिलते हैं, और बहुत कम ऐसे मेटल हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। और जो मोस्टली साल्ट हैं वो हमें सी से प्राप्त होती हैं, यानी समुद्रों से प्राप्त होती हैं अधिकांश जो साल्ट यानी लवण होती हैं। और देखिए इसमें क्या है, हम कुछ टॉपिक कुछ जो है मेन टर्म जो है स्टडी करेंगे, और उन मेन टर्मों में से एक मेन टर्म है आपका मिनरल्स। यानी द एलिमेंट और कंपाउंड्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल्स। मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, यानी ऐसे एलिमेंट और ऐसे कंपाउंड जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से विद्वान रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उन्हीं को हम मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल्स के साथ साथ एक टर्म और है जिनको हम बार बार रिपीट करेंगे, और वो टर्म है ओर्स यानी अयस्क। द मिनरल्स which contain metals are known as ores, यानी ऐसे minerals जिनमें metals जो है विद्वान रहता है, मौजूद रहता है, उन्हीं को हम ores कहते हैं। और जो ओर्स हैं वो सभी मेटल्स के अलग अलग होते हैं। ओर्स जैसे ऑक्साइड ओयर, सल्फाइड ओयर, क्लोराइड ओयर, ये सभी जो ओर्स हैं उनकी लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। आप उन लिस्ट में जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किन किन मेटल के कौन कौन से जो है ओयर्स होते हैं और उनका क्या क्या केमिकल फॉर्मूला होता है। और ये जो लिस्ट है ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेटल को शो करेगी अलग अलग ओयर के आधार पर। यानी ओयर्स कहते हैं हम ऐसे मिनरल्स को जिनसे हम मेटल प्राप्त करते हैं। अब ये तो कुछ हो गया बेसिक टर्म, अब डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम जो ओर्स होते हैं उनसे जो मेटल होते हैं प्योर मेटल उनको प्राप्त करते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम their ores is
नॉन एज मेटलर्जी, यानी एक्सट्रैक्शन कहते हैं, यानी कठिनाई से जो मेटल्स होते हैं उनको प्राप्त करना। और हम किसी मेटल के एक्सट्रैक्शन में जिन जिन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। यानी मेटलर्जी हो गया उन सभी प्रोसेस का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर जिनके द्वारा हम किसी और से मेटल प्राप्त करते हैं, उसी प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। और एक ओयर से मेटल प्राप्त करने में हम ये जो तीन प्रोसेस हैं उनको जो है अप्लाई करते हैं, यानी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑयर्स, थ्री स्टेप्स आर अप्लाइड, यानी तीन स्टेप हम अप्लाई करते हैं ताकि किसी ऑयर से हमें मेटल्स यानी प्योर मेटल प्राप्त हो सके। फर्स्ट जो स्टेप है वो है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स यानी एस्को का सांद्रण। नेक्स्ट कन्वर्धन, वर्धन ऑफ कन सैन टेटेड ऑर्स into metal, and last and third जो step है वो है refining, of metal, यानी इन सभी process के द्वारा हम जो कोई ऑयर है उसके द्वारा metal प्राप्त कर सकते हैं। यानी concentration of ऑयर्स, इसमें क्या करेंगे जो ऑयर्स होते हैं उनके अंदर जो इम्प्योरिटी मौजूद है उन सभी को हम रिमूव कर देते हैं। और इसमें भी बहुत सारे स्टेप, बहुत सारे मेथड जो है हम यूज़ करते हैं ताकि जो ऑयर्स है उनका कंसंट्रेशन हो सके। नेक्स्ट, जब एक बार जो है ऑयर का कंसंट्रेशन होता है तो हम सेकंड प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और वो है सेकंड प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ऑयर्स इनटू मेटल्स। यानी जो कंसंट्रेटेड ऑयर्स है यानी जो फर्स्ट स्टेप से ऑयर प्राप्त होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मेटल के अंदर। इसमें भी हम बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई करते हैं, अलग अलग मेथड जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कंसंट्रेटेड ऑयर्स है वो मेटल में कन्वर्ट हो जाए। और इन सब प्रोसेस के बाद भी जो मेटल प्राप्त होता है वो 100% प्योर नहीं होता, उसकी प्योरिटी और इंक्रीज करने के लिए हम उसकी रिफाइनिंग करा देंगे। और रिफाइनिंग के भी कई सारे मेथड है जिनके द्वारा मेटल जो मेटल होते हैं उनकी रिफाइनिंग की जाती है, यानी जो ऑयर्स होते हैं उनसे प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है। और इन सभी के ये जो तीन स्टेप है इन सभी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें ताकि और लोग हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकें।